हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर विलेज कुकिंग में। तो कैसे हो आप सभी लोग? तो देखिए, यहाँ पर आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी पकौड़ी। तो यहाँ पे पकौड़ी बनाने के लिए मैंने आलू को पहले से ही उबाल लिया है। तो ऐसे मैं थोड़ा इनको मोटे मोटे ही करूँगी, इनको एकदम बारीक नहीं करना है। तो यहाँ पे मैंने पालक को भी साफ करके काट कर रख लिया था, तो अभी डाल देती हूँ मैं पालक। दो से तीन मीडियम साइज़ की मैंने लिए यहाँ पे प्याज। तो प्याज को मैंने ऐसे लंबे लंबे टुकड़ों में काट लिया है। यहाँ पर ले रही हूँ मैं दो चम्मच पुदीना बारीक कटा हुआ, और तीन से चार हरी मिर्च है बारीक कटी हुई, और एक कटोरी बेसन ली है मैंने यहाँ पे मीडियम साइज़ की। तो बेसन को भी मैंने छान लिया है। और उबले हुए आलू की पकौड़ी खाने में अच्छी लगती है। वैसे तो सिंपल तरीके से भी बनाई जाती है आलू को लंबे लंबे काट कर, पर आज मैं उबले हुए आलू की बना रही हूँ यहाँ पे पकौड़ी। तो यहाँ पे एक चम्मच लिया है मैंने लाल मिर्च पाउडर, और आधी चम्मच लिया है मैंने यहाँ पे हल्दी, और नमक मैं सबसे बाद में डालूंगी, अभी नहीं डालूंगी। एक चम्मच लिया है मैंने यहाँ पे धनिया, और दो चम्मच लिया है मैंने साबुत धनिया, तो हाथों से थोड़ा उसको मसल लिया है। तो चलिए अभी इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला देती हूँ, और लास्ट में डाल रही हूँ मैं यहाँ पे कलर। तो यहाँ पे मैं पकौड़ी बनाने में कलर का यूज कर रही हूँ, जिससे कि हमारी पकौड़ी का कलर है जो बहुत ही अच्छा आएगा। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ अब नमक, तो नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। इन सब चीज़ों को मैं अब अच्छी तरीके से मिला दूंगी, और वैसे तो इसमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर थोड़ा थोड़ा सा पानी डालना पड़ता है, जिससे कि हमारा जो बैटर है पकौड़ी बनाने का वो बहुत ही स्मूथ बने। यहाँ पर सभी चीज़ें अच्छी तरीके से मैंने मिला ली है। तो तेल को मैंने गर्म होने रख दिया था। तो चलिए अब डाल देते हैं हाथों से ऐसी छोटी छोटी पकौड़ी, और पकौड़ी हम ऐसी डालेंगे जैसे हम बड़ी बनाते हैं, बस हाथों से ऐसे ही डाल दूंगी। अगर आप लोगों को ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी की वीडियो देखनी है, तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती है, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, एक तरफ से तो हमारी पकौड़ी सीख चुकी है, तो चलिए अब इनको हम दूसरी साइड से पलट देते हैं। और इस तरह की पकौड़ी बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होती है, क्योंकि आलू पहले से ही उबले हुए होते हैं, तो फिर इनको फ्राई करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, बहुत ही जल्दी से ही फ्राई हो जाती है। और ऐसी पकौड़ी शादी वगैरह में बहुत ही ज़्यादा बनाई जाती है। और इन पकौड़ी को हमें पूरा फ्राई नहीं करना है एक बार में ही, हमें ये दो बार में फ्राई करनी है। पहले हाफ फ्राई करेंगे, उसके बाद में फुल फ्राई करेंगे। इससे क्या होता है, जो हमारी पकौड़ी है बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनती है, और हम पकौड़ी को चटनी के साथ या सॉस के साथ में भी खा सकते हैं, जो कि खाने में बहुत ही अच्छी लगेगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगली रेसिपी के साथ में। जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।